रात में, मतलब लंच और डिनर सच्ची बता रहे बहुत टेस्टी। तुम देखो कैसे मुंह में पानी आते। देखो सबसे पहले आधा किलो पालक को उतल पुतल पानी में 15-20 सेकंड पकाने का, फिर फटाफट ऐसा निकल के ठंडे पानी में रखने का, फिर इसको अच्छे से निचोड़ के मिक्सी में डालने का। देखो पहले पीसने का, पेस्ट होता तो अच्छा, नहीं होता तो थोड़ा पानी डालने का, पर ज्यादा नहीं है, ऐसा पूरा पेस्ट बनाने का। और हाँ, पालक पनीर के पालक का प्रोसेस भी ऐसे ही चाहिए। अब एक पैन में थोड़ा तेल, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा लहसुन, थोड़ा तीखे के लिए हरी मिर्च और 2 चम्मच बेसन, ये सबको अच्छे से भुनने का। जैसे ही बेसन भुनेगा ये पिसला पालक डालने का, और हाँ एकदम थोड़ा नमक डालने का, ज्यादा डालेगा तो सब खत्म। ये सबको कम से कम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पकाने का। देखो ऐसा मोटा गाढ़ा होगा, और अगर नहीं होता तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, आइए हो जाएगा। अभी देखो ये हो गया, अभी हमारा घिसेला पनीर 150 ग्राम है, इसको अच्छे से घिसा है ना तो ज्यादा लगता है। इसमें चुटकी भर इलायची का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करने का, फिर क्या ऐसा गोल 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 करने का। अभी पालक हमारा ठंडा, ऐसा थोड़ा सा हाथ में लेके पहले इसको मसलने का, फिर चपटा करने का। देखो अभी ये पनीर का छोटा सा मुंडी डाल के पालक से इसको ढकने का, देखा ना इसका अभी टकला दिखता है, थोड़ा और पालक लेके ऐसे टकले को ढकने का और ऐसा दबा दबा के गोल गोल करने का। और सुनो आप लोग छोटा छोटा भी बना सकते हैं, पर मेरे को बड़ा अच्छा लगता। हो गया ना मस्त गोल गोल। अभी ये सब को मीडियम हाई फ्लेम पे 5-6 मिनट फ्राई करने का। वो क्या है ना, ये बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट। सच्ची बता रहे मैं भी ऐसे ही चाहिए। भैया आप झूठ बोल रहे हो। यह धनिया ऐसे कह को बोला, मेरे को तो रोज मारते हो। अयो धनिया तेरे मेरे बात अलग ही रही, दिल पे नहीं लेने का, तेरे से मैं बहुत प्यार करता, सच्ची बता रहे। देखो अभी मेन प्रोसेस, पैन में थोड़ा तेल, 2 क्यूब बटर, अब 2-3 फटेला इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 जावित्री का फूल और 3-4 लौंग, हाँ पर लहसुन 1 चम्मच टुकड़ा टुकड़ा, ये सब को अच्छे से भुनने का। अभी इसमें 5 टमाटर का प्यूरी, और हाँ टमाटर के बाद नमक बहुत जरूरी, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के 8-10 मिनट तक पकाने का। हो गया, अब इसमें 2 चम्मच शहद, अयो हनी हनी, और ये फ्रेश क्रीम मेन आइटम, 2-3 चम्मच डालने का, तब भी तो मजा आएगा ना, ये सबको अच्छे से मिलाने का। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये भी ऑप्शनल है, तुमको अच्छा लगे तो डालो। अभी लास्ट आइटम, अभी खाली इसमें कसूरी मेथी का सुखेला पत्ता का पाउडर है, चुटकी भर डालने का। ये हमारा ग्रेवी रेडी। अभी ये सबको चन्नी में छानने का और एक मस्त स्मूथ पेस्ट बनाने का। देखो तुम इसमें कांदा भी डाल सकते हैं और ठंडा करके मिक्सी में पीस भी सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। अभी ये ग्रेवी को ज्यादा नहीं, खाली 5 मिनट पकाने का। अभी ये कोफ्ते का 2 टुकड़ा करने का, पर धीरे धीरे काटने का, धीरे धीरे ऐसे प्लेट में ग्रेवी को डाल के ऐसा डिजाइन जैसा दोनों को रखने का, आइयो तभी तो मजा आएगा, देखा ना कितना मस्त बने लाए। आप लोग भी ऐसे थोड़ा टाइम निकाल के बनाओ, पत्नी है तो पति को खिलाओ, पति है तो पत्नी को खिलाओ, और बच्चा है तो मार खाओ, पर सच्ची बता रहे रूम बना बहुत टेस्टी, एक बार बना के खाओ और सब्सक्राइब करके